गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 17th of February 2023। कल डॉलर इंडेक्स पे काफी तेजी देखा गया है। आफ्टर यूएस पीपीआई डेटा डॉलर इंडेक्स काफी ऊपर गया था। कल ये मूव हुआ था 104.23, अभी है 104.30। सो यहाँ पे आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 104, उसके ऊपर चला गया है। द नेक्स्ट चैलेंज इज 105.20 से 105.70 के बीच में, दैट इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस। ऑल्सो द RSI वाइज डेली RSI मूव्ड अबोव 60। सो थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हम डॉलर इंडेक्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर रुपी साइडवेज कंसोलिडेशन इन बिटवीन 82.5055 ऑन द लोअर साइड एंड 83.00 ऑन द हायर साइड, इसी के बीच में घूम रहा है। एंड देखने वाला बात यही है कि आपका RSI जो डेली टाइम फ्रेम पे है वो 60 के नीचे नहीं आया है। जब तक 60 के नीचे नहीं आएगा, ज़्यादा रिपीट सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। GBP डॉलर 1.1950, ये आपका जो 7th February का जो लो है उसके लो के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे वीकनेस बरकरार है एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हेडिंग टुवर्ड्स 1.1850 इज हाई। GBP INR पे भी अच्छा खासा सेल ऑफ देख रहे हैं, अभी है 98.88। जो इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है वो 6th February का लो, दैट इज 98.65। वंस इट ब्रेक्स बिलो दैट वन तो और थोड़ा नीचे की तरफ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो डॉलर में भी सॉफ्टनेस बरकरार है, आपका 1.0650 है एंड ये इमीडिएट 13th February का जो लो है वहीं पे बरकरार है। ऑल्सो RSI टर्म्स में इट इज अप्रोचिंग 40, करेंटली एट 41.06। सो इमीडिएटली जो 40 है इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एज ए सपोर्ट लेवल। यूरो INR अभी है 88.16, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वीकनेस बरकरार है, बट इमीडिएट जो सपोर्ट्स आर दे आर, दैट इज आपका 88.00 एज द फर्स्ट सपोर्ट, देन 87.50 एज द सेकेंड सपोर्ट एंड आपका 86.75 इज द थर्ड सपोर्ट। डॉलर येन अभी है 134.62, अच्छा खासा तेजी देखा गया है एंड काफ़ी दिनों से हम इसका इंतजार कर रहे थे कि क्या ये यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या नहीं। उसके बाद हम देख रहे थे क्या ये हायर लो फॉर्म करेगा या नहीं, ये हायर लो फॉर्मेशन कर चुका है एंड अच्छा खासा अपमूव यहाँ पे दिख रहे हैं। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर चला गया है। दैट बीइंग द केस, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा, मेजर रेजिस्टेंस, वो है 138 के आसपास। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 138 जाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर जाने का प्रयास करेगा क्या, ये आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा। येन INR पे अच्छा खासा वीकनेस बरकरार है 61.46। एक बार वीकली पे नज़र लगा लेते हैं। वीकली पे हमारा यही था कि जब तक 60 के नीचे RSI नहीं आता है तब तक अच्छा खासा सेल ऑफ नहीं देखेंगे, और अभी ये 54.86 यानी 60 को ब्रेक करके नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स हम आराम से कर सकते हैं। डॉलर कैंडी में 1.3483 इमीडिएट जो रेजिस्टेंस 1.35 एंड 1.3525 उसके तरफ जा रहा है। प्राइस एक्शन वाइज भी रेजिस्टेंस है, RSI वाइज भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है एट 60, करेंटली एट 56.32। तो इमीडिएट ऊपर की तरफ डॉलर कैंडी में रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर पे सेल ऑफ बरकरार है, ये आपका नाउ ये जो रेड कलर का जो ट्रेंड लाइन है उसके तरफ जा रहा है। क्या ये इस लेवल पे सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, एंड ऑल्सो RSI इज अप्रोचिंग 40, करेंटली एट 42.39। सो दैट बीइंग द केस, यहाँ पे क्या ये सपोर्ट लेगा वो भी हमें देखना है। डॉलर CNH में अच्छा खासा तेजी है 6.8762। दैट बीइंग द केस, ये आपका
इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था 6.85 उसको तोड़ के ऊपर चला गया है। RSI also not took resistance at 60, लेकिन आने वाले दिनों में क्या थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। एंड इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो सकता है डेट इज योर 6.9250 से 6.93 के आसपास, एंड उसके बाद का जो होगा ये 6.9650 ना 6.97 9750 एक सेकेंड रेजिस्टेंस हो सकता है। यूके ऑयल 84.44 यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है, ज़्यादा कुछ मोमेंटम दिख नहीं रहा है। जब तक ये ऊपर के तरफ 89 और नीचे के तरफ 79 बरकरार है तब तक इसके बीच में ही थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन बरकरार रहने का एक्सपेक्टेशन से। US 10-year ट्रेजरी अच्छा खासा अप मूव देखा गया 3.8940 एंड इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 3.91 पे है, 9192 में है। क्या ये इसमें रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या तोड़ के ऊपर के तरफ जाता है ये आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स सर्कल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।